वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम जकाउल्ला। देखो दोस्तों, आज मैं ऐसी कहानी के ऊपर बताने वाला जिससे सुनते ही साथ आप लोग के आँख में आंसू भरने वाले। एक रईस आदमी था, अपनी बेगम के साथ दस्तरखान पे खाना खा रहा था और अल्लाह के करम से उस दस्तरखान पे हर एक नेमतें मौजूद थी। उतने में सदा आती एक फ़कीर की कि कोई है मुझे अल्लाह के नाम पर खाना खिला दे। उसका आदमी सुनता है और अपनी औरत को हुक्म देता है कि ये सारा खाना उस फकीर की झोली में डाल दो। वो औरत अपने शौहर का हुक्म की तामीर करती है और सारा खाना लेके जाती है उस फकीर की झोली में डालने के लिए। और जैसे ही जाती है बाहर तो एक रोने की आवाज़ आती है। उस औरत उसकी बेगम रो रो के चिल्लाने लगती है। वो आदमी घबरा जाता है, भागते हुए आता है। सारा मंजर देखता है और रोने का सबब पूछता है अपनी बेगम से। तो उनकी बेगम कहती है, जो फ़कीर है अपने वक्त का बहुत बड़ा रईस आदमी था और ये कोई और नहीं, ये मेरा पहला शौहर था। जिस तरीके से हम खाना खा रहे थे उसी तरीके से एक वक्त हम लोग भी खाना खा रहे थे। तो एक फ़कीर की सदा आती है और मैं खाना उठाने के लिए उस फ़कीर की झोली में जाती हूँ तो ये उठते हैं और हमें मारते हैं, उस फ़कीर को मारते हैं। और ये मसला देखते ही आदमी उसका मुस्कुरा दिया, बोले कि बेगम अगर इससे भी हैरत अंगेज बात हम तुम्हें बताएं तो मानोगे? बोले जी फरमाइए। बोले वो फ़कीर कोई और नहीं वो फ़कीर मैं ही था। इसने मुझे बहुत मारा था और ना जाने मेरे दिल से क्या आह निकल गई थी। अल्लाह का करिश्मा देखो कि वो रईस जो आदमी था वो धीरे धीरे उसकी सारे बिजनेस में सारे कारोबार में लॉस होते गया और ये तुमको भी तलाक दे दिया और मैं धीरे धीरे फ़कीर से रईस बन गया और तुमसे मेरी शादी भी हो गई। जिस तरीके से मैं इनके चौखट पे आया था आज ये मेरे चौखट में आया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें एक चीज़ सीखने मिलती है कि कभी भी गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसको झिड़की भी मत दो। पहली चीज़ तो हमें ये सीखनी होगी, अगर है आपके पास तो दे दो, नहीं है तो बोल दो कि माफ़ करो, सबसे पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि शुक्र अदा करने से नेमतें जारी रहती है। तो ये स्टोरी बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, मेरे को बहुत पसंद आई कि ये जो छोटी सी स्टोरी है बहुत काम की चीज़ है। मैं चाहता था कि आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।